Hello everyone, I welcome you all for one more video, and in this video I am going to discuss about stress strain, and I'll also discuss about the stress strain diagram जो कि एक काफ़ी important topic है diploma के students के लिए, polytechnic के बच्चों के लिए भी और आपका BTech के students के लिए। तो start करने से पहले हम समझते हैं पहले stress क्या होता है। stress, ठीक है, तो stress होता है force upon area, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेस अराइज होता है, हम स्ट्रेस को जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन इस तरह से करते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय एनी बॉडी पर यूनिट एरिया। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर यदि मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसके मॉलिक्यूल्स रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर करते हैं, ठीक है। तो वो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो स्ट्रेस इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया, ये कौन सा फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द बॉडी। तो इसकी यदि यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अब यदि हम स्ट्रेस की बात करें तो यदि हम स्ट्रेस के टाइप्स की बात करें तो इसमें आता है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। जब आपका लोड टेंसाइल हो तो वो कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी मैंने यहाँ टेंसाइल फोर्स लिख दिया, ये कहलाएगी टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। बेसिकली टेंसाइल फोर्स जब आप अप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रेस जनरेट होगी दैट स्ट्रेस विल बी कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है, यदि आपका लोड कंप्रेसिव होगा तो कहलाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक टॉर्शनल लोड भी होता है जिसको ट्विस्टिंग भी बोलते हैं, तो वो उससे जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो कहलाएगी टॉर्शनल स्ट्रेस। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया हुआ है इससे दिखा देते हैं। मान लीजिए कोई बार है, ठीक है, सर्कुलर बार है, और इसके ऊपर ये इस तरह से फोर्स लग रहा है, इक्वल अपोजिट फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है, इधर भी एफ लग रहा है और यहाँ पर भी एफ लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, दोनों तरफ से पुल। तो ये जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन यदि फोर्स ऐसा लग रहा है ना, फोर्स यदि इस तरह से लग रहा है, इस तरह से दोनों तरफ से पुश कर रहा है, तो ये फोर्स कौन सा होगा, कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो कहलाती है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। इस तरह से यदि फोर्स लग रहा होगा तो यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो कहलाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। यदि आपका लोड इस तरह से ट्विस्टिंग लग रहा होगा, ट्विस्टिंग लोड लग रहा होगा, तो जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेस। तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टॉर्शनल स्ट्रेस, ये तीनों लिख दिया आपने। एक और टर्म होता है जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, एक कहलाता है स्ट्रेन, ठीक है, जिसमें आपका सिंपल स्ट्रेन होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो हम स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो जो स्ट्रेन होता है वो होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, और ये 1 मीटर का था इनिशियली, और 0.1 मीटर इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, 0.1, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, 1, तो 0.1/1। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, जैसे इसकी लेंथ इनिशियली 1 मीटर थी और जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया तो इसकी लेंथ मान लीजिए हो गई 1.1 मीटर। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया, 1.1 - 1 मीटर, इसका मतलब चेंज इन लेंथ आ गया 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर हो गया चेंज इन लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, 1 मीटर। तो 0.1 मीटर/1 मीटर ये आ गया स्ट्रेन। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ये देख पा रहे हैं, ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो स्ट्रेन क्या होता है, आपका यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना। एक चीज़ और समझने की बात है यहाँ पे कि हम स्ट्रेस को दिखाते हैं सिग्मा से और स्ट्रेन को शो करते हैं एप्सिलॉन से, स्मॉल ई तरह से, इसको किससे शो करते हैं, एप्सिलॉन से शो करते हैं, ठीक है। तो फॉर आपको ये समझ में आ गया, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है समय को बचाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे स्ट्रेस को शो किया है,
ये कहलाता है आपका ऑर्डिनेट और ये कहलाता है अब्सिसा, है ना। सिंपल आपने पढ़ रखा होगा, ये एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, और इसको दूसरी लैंग्वेज में इस एक्स एक्सिस को हम अब्सिसा भी बोलते हैं और बाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस को शो किया है, यहाँ पे स्ट्रेन, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सिग्मा है और ये एप्सिलॉन है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं, ठीक है, पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं। ये इनिशियली है ज़ीरो है, जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ज़ीरो है, ठीक है। और ये हम ड्राइव कर रहे हैं, ये मटेरियल जिसका हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं, ये है आपका डक्टाइल मटेरियल। आपने डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के बारे में पढ़ा होगा। डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है, जिस पर लोड अप्लाई करने पर वो डिफॉर्मेशन होता है उसमें। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, जिस पर आप लोड अप्लाई करोगे तो बिना डिफॉर्मेशन के वो क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं, अब जैसे ही आपने लोड स्टार्ट किया तो इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप गए और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है ना, इस लाइन के अलोंग आप जाएंगे तो जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है आपका, लोड, क्योंकि लोड बढ़ेगा उससे क्या होगा, स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है ना। इस लाइन के अलोंग जाएंगे आप तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, ये क्वांटिटी, तो यहाँ यहाँ तक ए, तो ये ए पॉइंट कहलाता है आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि जो आपका ओ ए है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन के बीच में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, ठीक है। ओ ए तक, यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इनके बीच में लीनियर रिलेशन है, और इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और आपका जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हुक्स लॉ आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही वैलिड है, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ कि आपका जो हुक्स लॉ है वो यहीं तक वैलिड है, इस जगह तक, ठीक है, यहाँ तक क्या वैलिड है, हुक्स लॉ। ओके, अब फिर आप यहाँ तक गए बी तक, तो ये लिमिट कहलाती है आपकी ओ से बी तक, ये पूरी लिमिट कहलाती है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ओ भी क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि आपने लोड अप्लाई करते गए और डिफॉर्मेशन आता गया, डिफॉर्मेशन का मतलब स्ट्रेन जनरेट हो रही है ना, उसकी डायमेंशन चेंज हो रही है। तो इस यहाँ पर जैसे आपने लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें स्ट्रेन आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोड रिमूव करेंगे तो वो मटेरियल है वो ओरिजिनल डायमेंशन में पहुंच जाएगा, जितनी उसकी डायमेंशन थी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, यदि आपने इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी पढ़ा हुआ है, तो इलास्टिसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन डिफॉर्मेशन डिसअपियर्स आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई मटेरियल है और इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इसमें डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, जैसे जैसे, लेकिन मैंने जैसे लोड इससे हटाया तो डिफॉर्मेशन ऑटोमेटिक डिसअपियर होगा, गायब होगा, तो ये कहलाएगा इलास्टिक मटेरियल, या बोलेंगे इसकी इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, जब तक उसके ऊपर लोड रहता है तब तक तो डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन जैसे ही आपने लोड हटाया तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन प्राप्त कर लेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये सी पॉइंट कहलाता है आपका यील्ड पॉइंट, और यहाँ से आपके जो मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस होती है उनकी सबकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि यील्ड पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जिस पे आपका मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। यील्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है, जिसमें मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप दो यील्ड पॉइंट देख रहे हैं, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमेना यहाँ पे कैसे हो रही है कि यदि आप लोड कम कर देना फिर भी इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेन जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये सी क्या कहलाता है, लोअर यील्ड पॉइंट कहलाता है, और जो डी, सॉरी, ये सी क्या कहलाता है, अपर यील्ड पॉइंट कहलाता है, और डी क्या कहलाता है, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। यील्ड पॉइंट से मतलब है पहला वो पॉइंट जहाँ पे आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये कहलाता है यील्डिंग जॉइंट, ठीक है। और बेसिकली इलास्टिक लिमिट के बाद जो एरिया है
हाँ आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो एरिया है मैंने यहाँ पे हैचिंग कर रखी, ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक जोन को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? इलास्टिक जोन को। मतलब इस एरिया में यदि आपका लोड है तो जब तक आप लोड लगाएंगे तब तक स्ट्रेन आएगा, उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, जैसे ही आप लोड हटाएंगे तो ये दोबारा से अपनी पोजिशन में, ओरिजिनल पोजिशन वापस आ जाएगा। अब जैसे ही आपका इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है, तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद ठीक है क्या आ जाता है आपका, ये प्लास्टिक रीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? प्लास्टिक रीजन। ठीक है, ये आपका पूरा, मैं इसको दूसरे कलर से हैचिंग करके दिखा देता हूँ, तो ये आपका है प्लास्टिक जोन। इसको थोड़ा सही से दिखा देता हूँ मैं, प्लास्टिक जोन। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लास्टिक जोन। ठीक है, और यील्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया, यील्ड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहाँ से आपका मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो शीट मेटल के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो उसमें बेसिकली कहाँ से आपका मिनिमम यील्ड लोड, यील्ड पॉइंट जितना लोड तो होना चाहिए, तभी उसमें आप जो उसके ऑपरेशंस होते हैं शीट मेटल, वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या शीट में परमानेंट डिफॉर्मेशन तभी आ सकता है। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट, ये यील्डिंग लोड का हो गया। अब इसके बाद आप देखोगे पॉइंट ई, ये कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मटेरियल मैक्सिमम इतना लोड बियर कर सकता है बिना ब्रेक हुए, बिना फ्रैक्चर के। ठीक है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आना है, जिस पॉइंट से परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि यदि मैं लोड यहाँ इस पॉइंट पर हटा दूँ तब भी इतना डिफॉर्मेशन रहेगा, और यदि मैं लोड बढ़ाते हैं तब डिफॉर्मेशन भी इसमें क्या होंगे? बढ़ते आएंगे। ठीक है, डिफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है ब्रेक हो रहा है, डिफॉर्मेशन का मतलब उसकी डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। अब ये ई अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है, इसका मतलब ये मैक्सिमम इतना स्ट्रेस को बियर कर सकता है, इतने लोड को बियर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद भी थोड़ा सा और चलेगा, और पॉइंट एफ ये कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट। एफ क्या कहलाता है? फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर आपका मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, मटेरियल फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओ से ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ओ बी इलास्टिक लिमिट, सी यील्ड पॉइंट, ये बोल सकते हैं अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट, और ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और एफ रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्चर पॉइंट को। यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बेसिकली ये जो एरिया होता है इलास्टिक लिमिट वाला एरिया, ये कहलाता है, देखिए एक दो प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ उस चीज़ को, एक होता है रेजिलियंस, एक होता है टफनेस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, मटेरियल जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो एनर्जी अब्जॉर्व करता है, तो एनर्जी अब्जॉर्व बाई मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट वो कहलाता है रेजिलियंस। क्या कहलाता है? वो रेजिलियंस, मतलब ये जो एरिया, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है रेजिलियंस को, और एनर्जी अब्जॉर्व बाई मटेरियल अप टू फ्रैक्चर पॉइंट ये कहलाती है टफनेस। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कहलाएगा टफनेस, मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? टफनेस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ तक लेंगे तो ये रेजिलियंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि रेजिलियंस इज अ सबसेट ऑफ टफनेस। रेजिलियंस किसका सबसेट होता है? टफनेस का सबसेट होता है। सो दिस इज इट, थैंक यू।